अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि पेपर पैटर्न प्रैक्टिकल एग्जाम का एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो हम आपको अभी पेपर पैटर्न इसका जो है बताने लगे हैं। टोटल 30 मार्क्स का आपका ये पेपर है, HSSC 2 में जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, इसके टोटल मार्क्स हैं। अब इनकी डिवीजन क्या है? डिवीजन इसकी ये है कि आपका जो प्रैक्टिकल 1 है उसके 10 मार्क्स, इसी तरह आप प्रैक्टिकल नंबर 2 के 10 मार्क्स, और इसके बाद आपकी जो कॉपी है प्रैक्टिकल की उसके 5 मार्क्स और वाइवा के 5 मार्क्स। वाइवा के ऊपर एक अलग से जो वीडियो है इंशाल्लाह कल परसों तक आपको जो है वो मिल जाएगी, जिसमें इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आप तैयार कर लें तो इंशाल्लाह उसी में से आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो अब इसमें से आप देख लें कि एक प्रैक्टिकल जो है इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, कि 10 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। तो यहाँ इसको हम देख लेते हैं कि एक प्रैक्टिकल की जो डिवीजन है उसमें सपोज आपके पास ऐसा प्रैक्टिकल आया है जिसमें सर्किट नहीं है, तो फिर आपको ऑपरेटर्स उसका बताना है खुद से। आप डिमांड करेंगे ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स के जो हैं वो और साथ प्लस उसके डायग्राम, यानी ऑपरेटर्स कर लें आप या सर्किट डायग्राम कर लें, इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे इस चीज को एक्सप्लेन करने के या लिखने के। एक चीज जहन में रखें कि प्रोसीजर के नंबर नहीं होते इसमें, लिखवा लेते हैं टीचर, वो इसलिए भी लिखवा लेते हैं कि प्रोसीजर लिखवाने से थोड़ा सा ये है कि स्टूडेंट को याद आ जाता है कि प्रैक्टिकल ये वाला परफॉर्म कैसे करना है, लेकिन प्रोसीजर के मार्क्स कोई नहीं होते। इसके बाद जब आप सर्किट डायग्राम वगैरह बना लेते हैं तो फिर आप वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस नोट करते हैं प्रैक्टिकल की, तो उन ऑब्जर्वेशंस के मार्क्स हैं। मसलन अभी हमने जो प्रैक्टिकल आपको रिकॉर्ड करके भेजे, तो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में, कि वो कितने टाइम पे उसमें कितने वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस आ गया, तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ऑब्जर्वेशंस को करेक्टली नोट करना, इसके 4 मार्क्स हैं। तो 2 मार्क्स आपने ऊपर देख लिया एक प्रैक्टिकल में उसके ऑपरेटर्स या सर्किट डायग्राम के आ गए लिखने के बनाने के, और 4 मार्क्स आपके पास किसके आ गए, ऑब्जर्वेशंस के आ गए। अब इनको आप कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को फार्मूला करेक्ट अप्लाई करके, तो करेक्ट कैलकुलेशंस या उसको ग्राफ की शक्ल में आपने कैलकुलेशन को लेके आना है, आप करेक्ट ग्राफ बना के देते हैं तो इसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल अभी तक देख लें 4 + 2 6 + 3, ये 9 मार्क्स हो गए, और रिजल्ट का करेक्ट निकलना आखिरी चीज़ ये होती है, उस रिजल्ट का 1 नंबर है। तो आपके पेपर के ऊपर मार्क्स इस तरह लगाए जाते हैं कि 2 मार्क्स ऑपरेटर्स या सर्किट डायग्राम के, 4 मार्क्स करेक्ट ऑब्जर्वेशंस लेने के, 3 मार्क्स करेक्ट फार्मूला के साथ कैलकुलेशंस या करेक्ट ग्राफ के ऊपर जो कैलकुलेशंस हैं वो आपकी ठीक हों, और आखिरी 1 नंबर आपको इसका रिजल्ट का मिलेगा। तो इस तरह 10 मार्क्स एक प्रैक्टिकल के पूरे होंगे। ये याद रखें कि इस साल यहाँ पे पाकिस्तान में सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल एक्सक्लूड नहीं हैं ड्यू टू कोरोना इन दैट ईयर, कि फर्स्ट ईयर के साल में कोरोना था, तो इसलिए उस कोरोना की वजह से आपके जो हैं वो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स एग्जेम्प्टेड हैं। आपने सिर्फ सेकेंड ईयर के तैयार करने, उसमें से 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हम रिकॉर्ड करके आपको दे चुके हैं। तो इस पेपर पैटर्न को आप जहन में रखें और अपना पेपर इसके मुताबिक अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर हैं जो हैं वो आएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।